हाय uh, गैज़ uh, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे व्हील एंड टंकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है जिसे हम बी भी बोलते हैं ठीक है बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए और uh, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे कॉन्फिगर करते हैं वो भी सीखेंगे तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू ही इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी आसानी होनी चाहिए उसमें सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इस डायग्राम में इसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया है मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे एक बीटीपी सर्वर का ठीक है दूसरा यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है वन और यहाँ पर लिखा है विल एंड एडेड एंड डिलीटेड तो मैं बात कर रहा हूँ इत, इतनी चीज़ों की एक साथ ये तो मेरा जो यहाँ पे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करता है इसका रोल क्या होता है अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एक और स्विच है जो कि मेरा है बीटीपी क्लाइंट दूसरा है ये भी बीटीपी क्लाइंट है ये भी बीटीपी क्लाइंट है जो चार बाकी की स्विचेस हैं मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रंक क्या होता है ट्रंकिंग और हम उसको क्यों कॉन्फिगर करते हैं ठीक है तो वैसे ही यहाँ पे इस ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का अभी VLAN में क्या रोल है हम इस वीडियो में देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अगर हम ट्रंकिंग की बात करें तो हमारे पास कुछ मोड होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तो उसमें एक होता है बी सर्वर मोड एक होता है क्लाइंट मोड और एक और होता है ठीक है तो उसमें होता क्या है जब हमारे पास बी टी पी अगर हम किसी स्विच को बी टी पी सर्वर कॉन्फिगर कर रहे हैं तो उस सर्वर के पास में ये राइट्स होते हैं या ये एक्टिविटी हो सकती है अगर कोई बी लाइन ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कौन से हमारे बी टी पी सर्वर पर अब जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगे वो चेंजेस इधर रेप्लीकेट होते हैं क्लाइंट को तो हम कोई भी कॉन्फिगरेशन क्लाइंट स्विच पर नहीं कर सकते हैं या आ, क्लाइंट मोड पर नहीं कर सकते हैं जो कुछ करना है हमें वो करना है कहाँ पर वी टी पी सर्वर स्विच पे अब वो चेंजेस इधर प्रोपोगेट होंगे कौन कि, किसके साथ में जो हमारी क्लाइंट स्विचेस हैं और उसके साथ में सिंक होंगे एटलीस्ट चेंज सिंक टू लेटेस्ट चेंज जो भी लेटेस्ट चेंज होंगे वो इधर पर रेप्लीकेट हो जाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल काम करता है इसका काम रहता है इसको डिटेल में देखते हैं तो वी टी पी इज़ लेयर टू मैसेजिंग प्रोटोकॉल दैट मेंटेन व्हील एंड कॉन्फ्रिकेशन कंसिस्टेंसी बाय मैनेजिंग द एडिशन डिलीशन एंड नेम चेंज ऑफ व्हील एंड अक्रॉस द नेटवर्क तो कहने का मतलब यही है ये यह बेसिकली क्या है लेयर टू मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जिसका काम है ये व्हील एंड कॉन्फ्रिकेशन को कॉन्स्टेंट और एक कंसिस्टेंसी के साथ में मैनेज करता है अगर विलेन को हमने ऐड किया है डिलीट किया है या नेम चेंज किया है थ्रू आउट द नेटवर्क तो वही है जो भी चीज होगी वो यहां पे होगी ये वाली पे और उसको इधर ये रेप्लीकेट करेगा ये प्रोटोकॉल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल दूसरी चीज इसके बारे में है वी टी पी मिनिमाइज मिसकॉन्फ्रिगेशन एन कॉन्फ्रिगेशन इनकन्सिस्टेंसी दैट कैन कॉज प्रॉबलम सच एस डुप्लीकेट व्हील एंड नेम और इन करेक्ट व्हील एंड टाइप स्पेसिफिकेशन तो यहाँ पे मिस्टेक uh, होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है इसमें हेल्पफुल है एरर और मिसकॉन्फिकेशन uh, को अवॉइड करने में और नेक्स्ट uh, चीज़ है अ वी टी पी डोमेन इज वन स्विच और सैबरल इनटर कनेक्टेड स्विच इज शेयरिंग द सेम वी टी पी इन्वायरमेंट यू कैन कॉन्फिगर अ स्विच टू बी ओनली अ वी टी पी डोमेन तो इस तरीके के कॉन्फिगर कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या है एक डोमेन कॉन्फिगर करना पड़ता है एक स्विच में तो उसी को हम सर्वर uh, बोलते हैं कैसे कॉन्फिगर करते हैं मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में बाई डिफॉल्ट कैसको कैटेल स्विच इज इन नॉन मैनेजमेंट डोमेन स्टेट एंटेल इट रिसीव एंड एडवर्टीजमेंट फॉर अ डोमेन ओवर अ लिंक और एंटेल द कॉन्फिगेशन Uh, तो कॉन्फिगर कॉन्फिगेशन नहीं होता है कॉन्फिगरेशन मोड टू अलटीपी सर्वर आर प्रोपोकटेड अक्रॉस लिंक्स टू ऑल दिचेस इन द नेटवर्क तो जो भी कॉन्फिगेशन होगा हमारा इस स्विच में आ, सर्वर स्विच में वो इन सब स्विचेस स्विचेस को सिंक होगा इन सब स्विचेस के साथ में रेप्लिकेट होगा तो ये मेन काम रहता है वी टी पी का या फिर हम वी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का कि जो हमारे पास जो डोमेन सर्वर हैं या फिर वी टी पी सर्वर स्विच हैं उसमें चेंजेस होंगे उनको रेप्लिकेट करना क्रॉस थ्रू आउट हमारा नेटवर्क आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल का यू आर एल यहाँ पे है जहाँ पे विंडो सर्वर के भी वीडियोज़ हैं और सी सी एन आई के भी वीडियोज़ हैं तो दोनों अवेलेबल है आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सीखने की कोशिश कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो